कराची से ब्यूरो चीफ सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम उन्नास के लिए बेहतर से बेहतर तफरीह की सहूलियात फराहम करने में सदर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन सरगर्म है। इसी सिलसिले में सदर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से आराम बाग में फैमिली पार्क में बच्चों व फैमिलीज के लिए स्प्रिंग फैमिली फेस्टिवल सजाया गया, जिसमें हर किस्म के स्टॉल लगाए गए। फेस्टिवल में बच्चों और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और फेस्टिवल से लुत्फानंदोज हुए। हम की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बड़े मुनासिब इंतजाम हैं। बाहर पार्किंग में भी हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं, जो लोगों की बाइक गाड़ी उनकी भी हिफाजत करते हैं। फिर आप गेट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं। इस तरह पूरी हमारी पंडाल के अंदर ये जो पार्क है, यहाँ पे वॉलंटियर सिक्योरिटी के जो मौजूद हैं, लोगों का ख्याल भी कर रहे हैं और इस पार्क के अंदर जो भी हिफाजती इंतजाम होते हैं उनको देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे जो गश्त कर रहे होते हैं और किसी भी फैमिली को कोई परेशानी लाक हो तो वो हम उनसे पूछते हैं, उनका मसला हल करते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर मौजूद हैं और बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लोग बड़ी सेफ्टी के अंदर और अच्छे फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे आके टाइम अपना वक्त गुजारते हैं। ATV का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ATV की टीम जो है वो यहाँ पर आई है और आवाम की सहूलियत के लिए जो ये तफरी जो मौके पैदा किए गए हैं, ATV की टीम इसको उजागर कर रही है। आप इसको आवाम तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आपका भी किरदार है। हम बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये जो है वो आवाम तक हमारा मैसेज आप पहुंचाएंगे और इसी तरह आवाम को जो ये सहूलियात मैसर हैं आपका भी इसमें किरदार है। हम ATV का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असल ताल्लुकात है कराची लियारी से, कास्ट मेरा बलोच है और सबसे बड़ी मैजिक सर मैं बचपनी से कर रहा हूँ। ये सामने मेरा लड़का है, मतलब मैंने यही फील्ड सीखा है। मैं स्पोर्टमैन भी हूँ, जिमनास्टिक भी हूँ और मैजिशियन भी हूँ, डांसर भी हूँ। बस उमर भाई के और इमरान भाई के मैं मोहब्बत में आया हूँ सारी जगह और आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मीना बाजार है और अच्छा सजावट है, बड़े मेहनत है इसमें, जिसमें चंपी केसर भी है, झूले भी हैं, चिड़ियाघर भी है, भूत बंगला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक प्यारा सा म्यूजिकल बैंड है जिसमें कुरान साजी भी है लेडीज़ खवातीन के लिए। मैं ये कहता हूँ कि गर्मी का दिन है, लोगों को तफरी के लिए निकलना चाहिए और टाइम देना चाहिए कि हर इंसान कुछ दिल बेले और कुछ मोहब्बतें हुए। कैसे ये मीना बाज़ार इसलिए लगाया गया कि आप लोग सबके लिए और हमारी माँ बहनों के लिए और दोस्तों के लिए और तमाम भाइयों के लिए, और तफरी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैजिक का मतलब क्या है, एंटरटेन। मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना और मेरा काम है लोगों को कुछ समझाना कि मैजिक ये होता है। सर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैजिक कुछ क्लिप भी आप मेरे भर सकते हैं। 3 दिन पहले हमने शुरू किया था, 15 दिन का टाइमिंग रखा था। इस आराम बाग में फैमिली के साथ साथ यहाँ पर नशे भरते थे और यहाँ पर नशियों का आवारा बिल्कुल खुला छूट था। तो इस हवाले से हमने टाउन में जाकर फैसला किया और मीटिंग किया हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने, तो इलाके के लिए बेहतरीन सोच रखते हुए उन लोगों ने आराम बाग में फेस्टिवल लगाया। तो एक तरीके से फ्रेश धमाकियत होता है इनमें, इलाके वाले सारे आते हैं यहीं पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग खुश हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से 11 सालों के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर फेस्टिवल लगा हुआ है। इससे पहले फेस्टिवल हम लोगों ने फैमिली पार्क में लगाया था नानकवाड़ा में, अब वहाँ से फेस्टिवल यहाँ पर लाए हम लोग। बहुत अच्छा। अच्छा, पूरी फैमिली के साथ आए हैं? यस। वेरी गुड। अच्छा, आपने झूले वगैरह भी झूले? हाँ। अच्छा, क्या क्या देखा? मैंने सब कुछ देखा। सब खाने पीने का भी जगह है माशाल्लाह, और एंजॉयमेंट का भी जगह है यहाँ पर, अभी बना हुआ है कॉमेडी, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। उनका शुक्रगुजार और हौसला अफजाई करता हूँ उनकी, कि वो आते हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, एक एक चीज़ यानी कि हमारे जो माहौल है यहाँ के फैमिली वालों को पहुँचाते हैं, यहाँ के लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ATV वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा अच्छा, क्या क्या झूले? आप बॉलिंग में गया और आइसक्रीम भी खाऊंगा। अच्छा, तो आप अपने मम्मा पापा के साथ आए हैं? यस यस। दुनिया आपने भी झूला वगैरह झूला? यस। वेरी गुड। तो कहने का मतलब यहाँ पे खास चीज आपने क्या देखी? बहुत कुछ। बड़े दिनों के बाद हमें बहुत दिल खुशी हुई है ये प्रोग्राम देख के। हमारे दिली ख्वाहिश है हमेशा ये होनी चाहिए। आजकल कराची के हालात ऐसे हैं जिसको देखते हुए बंदे बहुत अपसेट हुए हुए हैं। इन हालात को देखते हुए, इन प्रोग्राम को देखते हुए बहुत खुशी होती है और हमारे मीडियम जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। दिली खुशी होती है कि बंदे कहीं भी आ जा नहीं सकते आज के हालात के हिसाब से, कहीं रोडों पे जाते हैं, ये तफरीगाह के लिए मौके हमारे, एक उम्मीद है इंशाल्लाह हमेशा होते रहे, हमारे बहुत खुशी होती है। वैसे फेस्टिवल लगने चाहिए ताकि फैमिलीज़ को आसानी हो, हमको आसानी हो घूमने फिरने में। गेम्स भी अच्छी हैं, खाने पीने के, मैजिक शो बहुत अच्छा है।
बाकी बच्चों की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, इतने झूले लगे हुए हैं, ऐसे झूले हमारे इलाके में पहली बार लगे, पहली बार इस पार्क में फेस्टिवल हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी लगते रहेंगे ऐसे फेस्टिवल। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं इसलिए एटीवी का शुक्रिया कि वो यहाँ आए और उन्होंने कवरेज लिया यहाँ का। यहाँ की माहौल बहुत अच्छे है, झूले और है ना फूड कोर्ट वगैरह बहुत अच्छे है। मुझे बहुत मजा आ रही है, मजा आ गया मुझे तो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये अंकल कॉमेडी कर रहे हैं जो ये दोस्त के साथ दोस्त है ना चीज है, और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि आजकल जो कराची का माहौल है इस तरह के प्रोग्राम से फैमिली को भी एक इंटरटेनमेंट का फन का मौका मिलता है और हमारे को भी अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं यहाँ पे आके। और जगहों से सस्ती जगह है ये और अच्छी जगह है।